हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखिए ये वाला डोरमेट डिजाइन इसको बनाना बहुत ही इजी है दो कलर से बनाया है मैंने देखिए ये ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है देखिए बैक साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के आएगा तो यहाँ पे देखिए मैं ऊन से बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एट नंबर की सिलाई लगाई है और देखिए यहाँ पे मेरी बारीक ऊन थी तो मैंने ऊन को डबल कर लिया है देखिए इस तरीके से डबल किए हुए हैं दोनों ही ऊनों को मैंने इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पहले से बना के रखी हुई है तो मैंने यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच कलियाँ बनाई हैं एक कली और बनाऊँगी तो ये जो मेरा डोरमेट है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के आ जाएगा तो देखिए ये ना मैंने तेईस फंदों में मैंने इसको बनाया है यहाँ पे हमने देखिए जो फंदे डाले हैं ये मैंने टू के मल्टीपल के हिसाब से इस पर हमने फंदे डालने हैं और एक फंदा हमने एक्स्ट्रा डाला है देखिए जो हमने ये किनारी बनाई है ना देखिए पूरे में ही किनारी बनाई है उस पर मैंने क्या किया है पांच फंदे रखे हैं तो इस पर से देखिए जो चार फंदे हैं वो डिजाइन के हैं और यहाँ पे एक फंदा ये लास्ट वाला ये हमारा एक्स्ट्रा है तो देखिए यहाँ पे मैंने येलो कलर से फंदे डाले हुए हैं एक ही कलर से फंदे डालने हैं मैं आपको ना फर्स्ट रो से ही बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है तो आपने क्या करना है जो भी आउटलाइन पे आपने देखे इस तरीके से ये जो हमने यहाँ पे फंदे डाले हैं आपको जो भी कलर पसंद है उससे आप इसको बना सकते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कलर लगाना है तो देखिए मैंने येलो कलर लगाया है येलो कलर से हमने तेईस फंदे डाल लेने हैं फंदे थोड़ा सा लूज ही डालने देखिए इस तरीके से ज़्यादा टाइट नहीं करना है तो जो हमारी फर्स्ट रो आएगी डिजाइन की वो आएगी फ्रंट साइड से तो मैं सबसे पहले ना आप लोगों को फंदे काउंट करके दिखा देती हूँ देखिए यहाँ पे दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस और एक तेईस देखिए यहाँ पे जो लास्ट फंदा है ये एक्स्ट्रा है हमारा यहाँ पे मैंने जो ये किनारी बनाई है ना ये पांच फंदों की बनाई है आप चाहो तो इसको चार फंदों की भी बना सकते हो तो इस पर आपने क्या करना है ये वाला फंदा मत बनाइए तो आपने क्या करना है यहाँ पे बाईस ही फंदे रखने हैं तो मैंने पाँच फंदों का बनाया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तेईस फंदे रखे हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट रो है वो फ्रंट साइड से है तो हमने क्या करना है फर्स्ट रो हम देखिए मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो आपको इसी को ही फॉलो करना है तो देखिए पहला फंदा हमने उतार लेना है उसके बाद हमने फ्रंट साइड से बाकी की रो इसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है देखिए फ्रंट साइड से पूरी रो बना ली है बैक साइड पे आ गए हैं अब हमने क्या करना है बैक साइड से भी देखिए पहले फंदे को हमने उल्टा बनाना है देखिए पूरी रो फिर इसी तरीके से बनाते हुए जाना है देखिए कुछ भी नहीं करना है बहुत ही ईजी है और एक बात दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए तो यहाँ पे देखिए पूरी रो हमने बना ली है लास्ट के हमने दो फंदे छोड़ दें ये वाले फंदे छोड़ देंगे और यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे अगेन हमने देखिए पहला फंदा उतार लेना है बाकी की रो फिर से हम फ्रंट साइड से पूरा ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फ्रंट साइड से पूरी रो कंप्लीट कर ली है बैक साइड पे आ गए हैं अब हमने क्या करना है यहाँ पे से हमने अब कलर चेंज करना है तो देखिए आपने जो भी कलर लगाना है ना तो आप उसको अटैच कर लीजिए यहाँ पे देखिए मेरा पहले से लगा हुआ है तो मैं इसी धागे को ऊपर लेके आऊँगी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे धागे को अटैच करते हुए पूरी रो हमने इसी कलर से बना लेना है और लास्ट के जो दो फंदे हैं ना फिर से हमने उनको छोड़ देना है फंदे छोड़ देने हैं तो देखिए यहाँ पे दो फंदे ये वाले छोड़ देंगे यहाँ पे हमने चार फंदे छोड़ दिए आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे देखिए फिर से हमने ये वाली रो पूरा ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अब हमने क्या करना है यहाँ पे से ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे हमने सबसे पहले तो कलर चेंज करना है हम ना पांच फंदे येलो कलर से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमने धागे को अटैच कर लेना है देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच ये हमारा जो ये किनारी बना रहे हैं ना यहाँ के फंदे हैं तो पांच फंदे बनाने के बाद हमने ये वाला धागा यहाँ को लेके आना है उसके बाद बाकी के फंदे हम इस कलर से बना लेंगे और फिर से हमने लास्ट के जो दो फंदे हैं ना उनको हमने छोड़ देना है जो दो फंदे हैं इनको हमने बिना बुने ऐसे ही छोड़ देंगे आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे हमने ये वाले जो फंदे हैं जो हमने जिस कलर से बनाए हैं ना उसी कलर से बना लेने हैं देखिए फ्रंट साइड पे कुछ भी नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमने ये वाले फंदे देखिए इसी कलर से बना लिए फिर से धागा चेंज करना है हमने जो ये पांच फंदे हैं ये येलो कलर से बनाएंगे तो देखिए इसको हम बैक साइड पे करेंगे उसके बाद हमने धागे को रखना है क्रॉस पे तो क्रॉस पे किस तरीके से रखेंगे यहाँ पे हमने ये वाला धागा ऊपर रखना है येलो वाला नीचे इसको देखिए आगे को लेके आएंगे उसके बाद बाकी के फंदे ये पांच फंदों को हमने येलो कलर से बना लेना है आ जाएंगे बैक साइड पे बैक साइड पे अगेन हमने देखिए फिर से ये वाला कलर लगाना है और इस वाले धागे को अटैच कर लेंगे अभी हमने ये जो पांच फंदे येलो कलर से बनाए थे ना इनको भी हमने इसी कलर से बना लेना है देख ना एक बार हम येलो कलर लगा रहे हैं पांच फंदों में एक बार देखिए इसी कलर से बना ले रहे हैं पूरा ही देखिए ये पहले हमने पांच फंदे इस वाले कलर से बनाए येलो कलर से फिर से हमने देखिए ये पूरी ही रो इसी कलर से बना लेनी है और लास्ट के फिर से दो फंदे छोड़ देने हैं तो देखिए फिर से हमने दो फंदे छोड़ देने हैं यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे। अगेन हमने फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेनी है से आ गए हैं हम बैक साइड पे। बैक साइड पे अगेन हमने पहले देखे इस वाले कलर से बना लिए थे ना ये सारे ही फंदे अब हमने क्या करना है पांच फंदे फिर से येलो कलर से बना लेने हैं देखिए एक दो तीन चार और ये पांच फिर से हमने देखिए कलर चेंज करना है बाकी के फंदे इस वाले कलर से बनाएंगे और लास्ट के जो दो फंदे हैं फिर से हमने छोड़ देना है दो फंदों को ऐसे ही छोड़ेंगे और यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतारा बाकी के फंदे जो जिस कलर से हैं बना के कंप्लीट कर लेंगे आ गए हैं बैक साइड पे, बैक साइड पे अगेन हमने फिर से देखिए ये वाला कलर लगाना है और ये जो पांच फंदे हमने येलो कलर से बनाए थे अब की बार हम इसी कलर से सारे फंदे बना लेंगे और लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो देखिए फिर से हमने दो फंदे छोड़ देने हैं आ जाएंगे फ्रंट साइड पे पूरी रो हम इसी कलर से बना के कंप्लीट कर लेंगे अगेन हम आ गए हैं फ्रंट साइड ओ सॉरी बैक साइड पे फ्रंट साइड पे हमने पूरी रो बना ली है तो देखिए एक बार हम येलो कलर लगा रहे हैं एक बार देखिए ये वाला जो कलर हमने यहाँ पे लगाया है उसको यहीं से ही बना रहे हैं फिर से येलो कलर लगाया अभी देखिए फिर से इस कलर से बना लिया अब हम फिर से येल्लो कलर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमने पाँच फंदे येल्लो कलर से बना लेने हैं देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच फिर से कलर चेंज करना है बाकी के फंदे हमने देखे इस कलर से बना लेने हैं फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे तो देखिए फिर से दो फंदे छोड़ दिए फ्रंट साइड पे आएंगे फ्रंट साइड पे देखिए चार फंदे हमने इस कलर से बना लेने हैं धागा पीछे और उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे धागे को क्रॉस पे रखना है पांच फंदे फिर से ये वाले येलो कलर वाले इसी कलर से बना लेने हैं येलो कलर से देखिए फिर से आ जाएंगे बैक साइड पे अगेन हमने देखे फिर से ये वाला कलर लगा लेना है तो अभी हम बाकी के जो फंदे हैं सारे ही हम इसी कलर से बना लेंगे जो ये पांच फंदे थे ना येलो वाले इनको बना लेंगे उसके बाद दो फंदे और बनाएंगे क्योंकि चार ही फंदे थे ना फिर से हमने देखे दो फंदे छोड़ देने हैं आ जाना है फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे अगेन हमने सारे ही फंदे इसी कलर से बना के कंप्लीट कर लेने हैं तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे कलर चेंज करना है और हमने यहाँ पे येलो कलर को लगा लेना है तो देखिए यहाँ पे हम येलो कलर को लेके आएंगे और पांच फंदे अब हम येलो कलर से बनाएंगे देखिए दो तीन चार और ये पांच हमारे दो फंदे बच रहे हैं इनको ऐसे ही छोड़ देंगे आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे हमने पांचों के पांचों फंदे देखिए येलो कलर से बना लेने हैं तो देखिए यहाँ पे अब हमारा आधा डिजाइन कंप्लीट हो गया है देखिए हमने स्टार्टिंग से ही दो 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 फंदे छोड़ते हुए आए हैं और यहाँ तक हमने सारे फंदे छोड़ दिए दे हैं देखिए येल्लो फंदे भी हम काउंट कर लेंगे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह अठारह फंदे हमने दो दो करके छोड़ दिए हैं और अब हमारे ये पांच फंदे बचे हैं देखिए अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और ये तेईस टोटल हमारे तेईस फंदे थे और यहाँ पे हमारा हाफ डिजाइन कंप्लीट हो गया है जो ये कली है ना आधी हमने बना के कम्प्लीट कर ली है आ जाएंगे बैक साइड पर बैक साइड पे अब हमने क्या करना है ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये पांच फंदे इस कलर से बना लेने हैं देखिए धागे को अटैच कर लिया एक दो तीन चार और ये पांच अब हम क्या करेंगे ये जो दो फंदे हैं ना अब हमने जो ये छोड़े हुए थे इनको भी बना लेना है छः और ये सात आ जाएंगे यहीं से फ्रंट साइड पर फ्रंट साइड पर पूरी रो हम बना के कम्प्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे देखिए पांच फंदे पहले हम येलो कलर से बना लेंगे एक दो तीन चार और ये पांच हमारे दो फंदे बचे हैं इनको हमने देखिए इस कलर से बना लेना है एक और ये दो अब हम क्या करेंगे देखिए जैसे हमने दो दो करके फंदे छोड़े थे ना अब दो दो करके ही हमने फंदों को बढ़ा लेना है तो यहाँ पे फंदों को कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे से एक फंदा उठाएंगे और यहाँ पे हमने ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दो फंदे का हमने एक कर लेना है देखिए एक और ये दो और यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे हमने पूरी रो देखिए चार फंदों को पहले ऐसे बना लेना है यहाँ पे एक दो तीन और ये चार धागे को हमने चेंज कर लेना है बैक साइड पे हमने क्रॉस पे रखते हुए धागे को आगे को लेके आएंगे येल्लो वाले और पाँच फंदे येल्लो कलर से बना लेंगे तो देखिए फिर से आ जाएंगे बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे यहाँ पे फिर से कलर चेंज करना है और फिर से हमने देखिए इस वाले कलर से सारे ही फंदे हम जो बना रहे थे ना ये जो पांच फंदे हैं पहले इनको बना लेंगे और उसके बाद जो ये चार फंदे हमने बनाए थे ना दो दो करके इनको भी बना लेंगे फिर से हमने देखिए यहाँ पे दो फंदे और बनाने हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा यहाँ से उठाना है ये वाला फंदा यहाँ से उठाएंगे देखिए बढ़ाना नहीं है फंदा ये वाला फंदा ये जो हमने बढ़ाया है इसको और इसको दो का एक कर लेंगे तो ये एक और ये यह दो यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए बैक साइड पे आ गए हैं पहले हम पांच फंदों को बना लेंगे येलो कलर से एक दो तीन चार और ये पाँच फिर से हम कलर चेंज कर लेंगे यहाँ पे हमने देखिए ये वाला कलर लगाना है देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः फिर से हमने यहाँ पे दो फंदे और बनाने हैं तो यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और ये वाला फंदा ये वाला फंदा दो का एक किया एक फंदा और बना लेंगे उल्टा आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे देखिए जो फंदा जैसा है ना वैसे ही बना लेंगे ये देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने देखिए अब ये वाला कलर लगा लेना है तो देखिए ये जो पांच फंदे हैं सबसे पहले इनको बना लेंगे उसके बाद हमने फिर से ये जो बाकी के फंदे हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ फिर से हमने दो फंदे बनाने हैं तो देखिए एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे ये वाला फंदा ये वाला फंदा दो का एक करेंगे नौ और ये दस आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे पूरी रो हम इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे पहले ये पाँच फंदे बना लेने हैं येलो कलर से एक दो तीन चार और ये पांच, फिर से कलर चेंज करेंगे और देखिए ये बाकी के जो हमने फंदे बनाए थे ना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस फिर से देखिए दो फंदे बनाएंगे तो उसके लिए देखिए एक फंदा यहाँ से उठाएंगे ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दो का एक कर लेंगे देखिए फिर से यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए हैं बैक साइड पे अगेन हमने देखिए ये वाला कलर लगाना है और यहाँ पे धागे को अटैच कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए अब हमने ये पांच फंदे भी इसी कलर से बना लेने हैं उसके बाद देखिए हमने ये जो बाकी के फंदे हैं एक दो तीन चार देखिए इसी कलर से बना रहे हैं पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह फिर से दो फंदे हमने देखिए यहाँ से एक फंदा उठाना है तेरह और ये चौदह तो हमारे अब ये जो हम इस कलर से बना रहे थे फंदे सारे ही हमने बना दिए हैं अब हमारे येलो कलर वाले फंदे बच रहे हैं अब आ जाएंगे फ्रंट साइड पे। पहले तो ये वाली रो हम फ्रंट साइड पे पूरी बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए अब आ जाएंगे बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे अब क्या करना है यहाँ से येलो कलर लगाना है तो देखिए एक दो तीन चार और ये पांच ये पांच फंदे बना लिए ना अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा येलो कलर है तो बाकी के फंदे भी हम येलो कलर से ही बना लेंगे देखिए पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस देखिए उन्नीस फंदे बना लिए अब हमने क्या करना है दो फंदे और बनाना है तो यहाँ पे से हम एक फंदा उठाएंगे और देखिए दो का एक कर लेंगे बीस और ये इक्कीस इक्कीस फंदे हो गए यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे पूरी रो हम येलो कलर से ही बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे ये हमारी आ, अब आखिरी रो है डिजाइन की तो देखिए यहाँ पे हमने अभी हम येलो कलर ही लगा लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह 18, उन्नीस बीस और ये इक्कीस अब हमारे देखिए दो ही फंदे बचे हैं लास्ट के फिर से हमने देखिए एक फंदा यहाँ से उठाना है दो का एक कर लेना है तो देखिए दो का एक करेंगे और लास्ट का फंदा भी हमने बना लेना है तो यहां पे देखिए हमारी आखिरी रो भी बनके कंप्लीट हो गई है और ये हमारा जो डिजाइन है वो भी बनके कंप्लीट हो गया है तो आपने क्या करना है जैसे हमने फर्स्ट रो से यहाँ से बनाया था ना इसी को ही फिर से रिपीट करना है तो देखिए मेरे यहाँ पे पूरी कली बनके कंप्लीट हो गई है अब मैं क्या करूँगी एक सिलाई बनाऊँगी जिसमें मैं सारे ही फंदे बंद कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलाई कर दूँगी देखिए इस तरीके से और यहाँ पर सेंटर पर कोई पॉम, पॉम या कोई बटन हम लगा लेंगे तो आपने क्या करना है फिर से यहीं से ही रिपीट करना है और फिर से एक कली और बना लेनी है जैसे ही हमने ये कली बनाई थी ना उसी को ही आपने नेक्स्ट कली में बना लेना है फिर से देखिए जब दूसरी कली भी कंप्लीट हो जाएगी तीसरी कली बना लेना है तो इसी तरीके से देखिए मैंने ये सारी कलियाँ बनाई हैं जैसे ये वाली बनाई थी तो आपने भी यही रिपीट कर लेना है तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूँगी तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय